तेरी याद ऐ शेरों वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे ऐ शेरों वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे ऐ शेरों वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे। नवरात्रों के शुभ अवसर पर जेवर के देवी मंदिर पर धूमधाम के साथ मेला लगाया जा रहा है। मेला कमेटी द्वारा मंदिर में विशेष सजावट की जाती है तथा लाइट और फूलों के द्वारा माता के मंदिर को सजाया जाता है। प्रातः 4 बजे से माता की पिंडी पर जल चढ़ाने की श्रृंखला शुरू हो जाती है। प्रातः 4 बजे से माता के दर्शन प्रारंभ हो जाते हैं। दोपहर 1 बजे तक दर्शन होते हैं। इसके बाद 4 बजे से फिर पट खुलते हैं मैया के और भक्त लोग यहाँ आनंद लेते हैं। आरती भजन कीर्तन संध्या और आपका 51 अखंड ज्योत का भी मंडप बनाया गया है। ज्वाला जी से लेकर के ज्योत यहाँ प्रज्वलित की गई है और बड़ा आनंद रामलीला इत्यादि सब कुछ प्रोग्राम होते हैं। संध्या के समय जेवर के कुशल कलाकारों द्वारा रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। ऐसी स्थिति नहीं है कि वो राज्य के कार्यभार को संभाल सके और मैं बनों को जा रहा हूँ। भैया भरत और भैया शत्रु धन भी यहाँ नहीं है। श्री दुर्गा मंदिर प्रबंध समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में नवरात्रि के शुभ अवसर पर श्री देवी मंदिर पर अनेक भक्तिपूर्ण कार्यक्रम आयोजित कराए जाते हैं, जिसके तहत धनुष तोड़ने के बाद भगवान राम की बारात पूरे शहर में निकाली गई। भगवान राम के साथ साथ उनके राम भाई और गुरुदेव भी शोभा यात्रा में दिखाई दिए। बारात में बैंड बाजे के साथ साथ झांकियां भी निकाली गई। राम बारात जेवर चौराहे से शुरू होकर श्री देवी मंदिर पर पहुंची, जिसके साथ सैकड़ों लोग साथ रहे। ये जेवर में सर्वनवरात्रि के समय पर श्री दुर्गे मंदिर में रामलीला का शुभारंभ हुआ है, जो 3 दिन के बाद में श्री राम जी की धनुष यज्ञ करने के बाद में उनकी बारात शोभा यात्रा भव्यता पूर्वक निकाली गई, जो कि बड़ा ही आकर्षक और आनंददायक रहा। राम बारात में भगवान राम तो जनकपुर में ही रहते हैं तथा उनके साथ में जो चिट्ठी भेजी जाती दशरथ जी के पास में, उनके साथ में गुरु वशिष्ठ तथा उनके राम जी के पिता दशरथ जी, उनके भाई भरत और शत्रुघ्न के साथ में पूरी बारात निकाली जाती, जिसमें होकर के नगर में घूमते हुए जो हमारी शोभा यात्रा निकली जेवर में चौराहे से होकर के दाऊजी मंदिर तथा मेन मार्केट से होकर के देवी मंदिर में प्रस्थान की गई तथा उनका स्वागत किया गया। देवी मंदिर पर यह मेला 11 दिन तक लगाया जाता है। मेले के अंत में रावण वध के साथ साथ मां काली की विशाल यात्रा झांकियों और बैंड बाजे के साथ निकाली जाती है। इसके साथ मंदिर कमेटी के द्वारा बाल दंगल एवं विशाल दंगल का आयोजन भी मंदिर प्रांगण में कराया जाता है। और